दोस्तों आज मैं आपको एक ज़बरदस्त जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है सूर्णकंद। सूर्ण का एक प्रकार का क्षुप होता है जो एक फीट से लगभग 3 फीट तक ऊंचा होता है। इसके पत्र 1 से 3 फीट तक बड़े होते हैं। इसकी जड़ में एक प्रकार का बड़े आकार वाला कंद बनता है जिसे हिंदी में सूर्णकंद कहा जाता है। आम भाषा में सूर्णकंद, जिमीकंद, जमीकंद और ऑल से जानते हैं। कोंकणी में सुमा कहते हैं, कन्नड़ में सुवर्णा गुड्डे और गुजराती में सूर्ण कहते हैं। ज़्यादातर भाषाओं में इसे जमीकंद से पहचाना जाता है। इसका अंग्रेजी नाम एलिफेंट याम और वैज्ञानिक नाम एमोकोर्पेफलस पेवोनियोफोलियस है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। सूर्ण की 4 प्रजातियां पाई जाती है जिनका उपयोग औषध कार्य में किया जाता है। हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने सभी प्रकार के कंद शाखों में सूर्ण को श्रेष्ठ माना है। ये कंद अर्स और बवासीर में राम बाण की तरह काम करता है। दोस्तों ध्यान रहे कच्चे सूर्ण का उपयोग न करें क्योंकि इससे खुजली बहुत होती है और खाने से मुंह और गले में जलन तथा दाह उत्पन्न होती है। इसे अच्छी तरह से पकाकर ही खाना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं सूर्ण का उपयोग हम औषध कार्य में किस प्रकार से कर सकते हैं। सूर्ण पेट के रोगों की सबसे कारगर जड़ी बूटी है। अगर पेट में दर्द हो रहा हो, गुल्म हो, तो ऐसे में जंगली सूर्ण को ले आए और अच्छी तरह से साफ करके कल्क बनाए। फिर इसमें से 10 से 12 ग्राम कल्क ले और दही के साथ अच्छी तरह मिलाकर दही के बीच में रखकर निगल जाए। ऐसा करने से पेट का दर्द जल्दी ही ठीक हो जाता है और पेट की कई सारी समस्याएं मिट जाती है। दोस्तों इसके पत्तियों का साग बनाकर रोजाना खाने से भी पेट के कई विकार दूर होते हैं। अगर कनपट्टी के आसपास सूजन आ गई हो तो सूर्ण को पानी में घिस लीजिए या सूखे हुए सूर्ण के कंद को पानी के साथ घिसकर लेप बनाकर उस स्थान पर लगा दीजिए। इस प्रयोग से जल्दी ही सूजन बिखर जाती है। दोस्तों ये अर्स और बवासीर की एक रामबाण बूटी है। सदियों से इसका उपयोग अर्स को मिटाने के लिए किया जाता है। दोस्तों सूर्ण कंद की रोजाना सब्जी बनाकर खाने से अर्स और बवासीर में अत्यधिक फायदा महसूस होता है। दोस्तों अगर कोई अर्स और बवासीर से पीड़ित है तो सूर्ण पर मिट्टी की मोटी परत लगाए और सूखने के बाद आग में अच्छी तरह पका ले। जब ये अच्छी तरह से पक जाए तब मिट्टी को हटाकर साफ कर ले। फिर इसे तेल में मिलाकर भूनकर रोजाना खाए। इससे अर्स जल्दी ही ठीक हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार सूर्ण पर मिट्टी की मोटी परत लगाकर पकाने की विधि को फुटपाक कहा जाता है। अर्स और बवासीर को मिटाने का इसका एक सरल और बहुत विश्वसनीय प्रयोग है। इसके लिए आपको लगातार 1 मास तक अन्य कोई आहार न लेकर सिर्फ सूर्ण और सूर्ण का ही साग बनाकर खाना है। इसके साथ छाछ और दही का भी सेवन करें। दोस्तों अगर कोई अर्स का मरीज इस प्रकार की विधि से सिर्फ सूर्ण पर 1 मास तक रहता है तो अर्स की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाती है। इस प्रयोग से पाचन शक्ति प्रदीप्त बनती है और अर्स तथा बवासीर जड़ से खत्म हो जाता है। इसका एक और प्रयोग है जंगली सूर्ण का चूर्ण बनाकर घी में भूनकर मूली के रस में घोट लीजिए। अब इसमें से 250 मिलीग्राम की गोलियां बनाएं। अब इनमें से 2-2 गोलियां सुबह शाम रोजाना सेवन करें। इस प्रयोग से भी अर्स खत्म हो जाता है।